Hello students, welcome to the channel entrance exam guide. So friends, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं DTU leaked entrance test के बारे में. आज हम इस वीडियो में DTU leaked के बारे में हर एक डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, लाइक एग्जाम किस लिए कंडक्ट कराया जाता है, इसकी ऑफिशियल अथॉरिटी कौन है, साथ ही साथ ये एग्जाम को अगर आप क्लियर करके क्वालिफाई करते हैं तो कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, हर एक चीज फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर DTU लीड का कोई भी अगर नया अपडेट आता है इन फ्यूचर या कोई भी चेंजेस होते हैं या फिर उसके कोई नोटिफिकेशन रिलीज होती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे. तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको बता दें कि आपको सिंपली हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आई होप के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे. तो अब हम शुरू करते हैं DTU लीक एंट्रेंस एग्जाम के बारे में और डिटेल में जानना. तो गाइस, सबसे पहले देखेंगे DTU लीक का फुल फॉर्म क्या है. सो DTU लीक स्टैंड्स फॉर दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एक नेशनल लेवल का जो है एंट्रेंस एग्जाम है. और ये जो एंट्रेंस एग्जाम है DTU लीक को कंडक्ट करवाया जाता है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा. और गाइस, अगर आप ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जो है डायरेक्टली सेकेंड ईयर डिग्री कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में. एंड गाइस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू एंटर इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा और BSc इन इंजीनियरिंग UG कोर्सेज. सो गाइस, इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको बताया जाए तो अगर आपको दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, लेटरल एंट्री चाहिए आपको, यानी कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में आपको डिग्री कोर्सेज में डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन चाहिए, किसी भी डिग्री कोर्सेज में डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है, तो DTU लीड का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके क्वालिफाई करना होगा और आपको दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन डायरेक्टली सेकेंड ईयर में मिल सकता है. अब गाइस, इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से जो आप लोगों का सेटिस्फाई करना जरूरी है, लाइक आपके पास जो है 3 इयर्स डिप्लोमा डिग्री रहनी चाहिए, आप 3 इयर्स डिप्लोमा पास आउट रहनी चाहिए, उसमें आपके 60% मिनिमम आए रहने चाहिए, आपने स्कोर किए हुए रहने चाहिए, और जो रिजर्व कास्ट है उनके 50-55% मिनिमम रहनी चाहिए. अब एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट 18 इयर्स है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 26 इयर्स है. गाइस, नॉट मोर देन 26 इयर्स आपकी एज रहनी चाहिए और नॉट लेस देन 18 इयर्स आपकी एज रहनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. अब बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की, तो आपको एग्जाम जो है ऑफलाइन में कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि पेन पेपर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा. टोटल आपको 2 आवर्स अलॉट किए जाएंगे, 2 घंटे में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आपको यहाँ पे अलॉट नहीं किया जाएगा. उसी के साथ गाइस, हर एक सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, 4 मार्क्स दिए जाएंगे, और हर गलत आंसर पे आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 मार्क्स की जो नेगेटिव मार्किंग दी गई है. अब गाइस, सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट में से आपको जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे DTU लीड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में. सो गाइस, आई होप कि अभी आप लोगों को DTU लीड एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा. अगर फिर भी कोई डाउट है या और कोई डिटेल्स आपको जानने तो आप मुझे सिंपली कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुई हो, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए. थैंक यू फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर.